तो आईफोन के नए मॉडल्स के फ़ोन तकरीबन 1 लाख या 1.5 लाख रुपए में मिलते हैं। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि अगर वो आईफोन फर्स्ट हैंड ना खरीद के सेकेंड हैंड खरीदे तो कैसा रहेगा। तो अगले 20 सेकंड में देंगे आपको लाजवाब जानकारी। प्लीज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो देखिए, आईफोन अपने फ़ोन्स को ऐसे ही हवा में महंगा नहीं कर देता है, क्योंकि आईफोन्स में दुनिया के बहुत अच्छे टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है और बहुत ही अच्छे पार्ट्स का यूज़ किया जाता है, जो कि आईफोन को बहुत ही मजबूत और तगड़ा बनाता है और वो सालों साल चलता भी है। और वहीं अगर बात की जाए आईफोन के प्राइस की, तो जी हाँ, आईफोन का प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, पर अगर आप सेकेंड हैंड प्रोसेस में जाते हैं तो बहुत ही कम लगेगा। जैसे कि आईफोन हर साल अपना एक नया फ़ोन लॉन्च करता है, जैसे कि इस साल आईफोन अपना आईफोन 14 लॉन्च करेगा, सो उसके बाद आईफोन 13 का प्राइस ड्रास्टिकली बहुत ही गिर जाएगा। सो आपको आईफोन 13 सेकेंड हैंड बाई करना चाहिए, वो भी विश्वसनीय जगह से, जहां पर आपको भरोसा हो और जहां पर लगे कि आपको सही आईफोन मिलेगा कम दाम में।